हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेडिसिन इन्फॉर्मर में। आज हम बात करने वाले हैं सफीकाइंड टेबलेट के बारे में, इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है, और इस्तेमाल करने की सही तरीका क्या है, और किस किस बीमारी में दिया जाता है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सफीकाइंड टैबलेट के बारे में, ये किस किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और किस बीमारी में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सफीकाइंड बेनिफिट्स एंड यूज इन हिंदी: बैक्टीरिया संक्रमण, यूरिन इन्फेक्शन, साइनस, ब्रंकाइटिस, सूजक, स्किन इन्फेक्शन, दिमागी बुखार, जोर में इन्फेक्शन, हड्डी का संक्रमण, टॉन्सिल, गले में इन्फेक्शन, इम्पेटिगो, सर्विसाइटिस, यूरेथराइटिस, कान में संक्रमण, घाव, गले में खराश, अगर आपको होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बात करेंगे इसका कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या क्या कंपोजिशन डाला हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं इसमें सेफ्यूरोक्सिम डाला हुआ है, RSMG सेफ्यूरोक्सिम डाला हुआ है, बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। जब भी इसका इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के सलाह ले लीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों आप बात करेंगे इसका कंपनी के बारे में, बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही पुराना कंपनी है। दोस्तों देख सकते हैं मैनकाइंड ने मैन्युफैक्चरिंग किया है, बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही पुराना कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी में से एक है। फ्रेंड्स, अगर आप 10 साल के ऊपर या 10 साल के नीचे का एज है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गले में इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन, आप किसी की अगर आपको समस्या होती है या किसी बीमारी के संकेत मिलते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया संक्रमण, यूरिन इन्फेक्शन, साइनस, ब्रोंकाइटिस, और भी बीमारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बात करेंगे इसका प्राइस के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं 173 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में या खरीद सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि सफीकाइंड RSMG टेबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो इस प्रकार आपको साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिल सकती है। दोस्तों साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती है, जैसे मतली या उल्टी, दस्त, एलर्जी, रक्तस्राव, एठन, संक्रमण, पेट में दर्द, सिर दर्द, लाल चकते, बुखार, अर्टिकारिग, खांसी, ठंड लगना, ये सब आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। सफीकाइंड कंट्राइंडिकेशन इन हिंदी: दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं होंगे कि सफीकाइंड 250 mg का इस्तेमाल कुछ बीमारी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी होती है तो सफीकाइंड का इस्तेमाल ना करें, जैसे गुर्दे की बीमारी, आंतों में सूजक, पेट में दर्द, शुगर, SDT अगर होती है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। मैं अगर आप इस बीमारी में इस्तेमाल करते हैं तो और आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल अगर आपको ये सब बीमारी है तो ना करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और इससे भी अच्छी अच्छी मेडिसिन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। दोस्तों फ्रेंड्स, गेटअप देख लीजिए, इसी प्रकार का गेटअप होगा, बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों